जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता कि 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आज हुआ है, उसका हम लोग पहला वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। दूसरा वीडियो लेकर क्या है, इस दूसरे वीडियो में 50 प्रश्नों को हम लोग बेहतरीन ढंग से एकदम तेज तर्रार रफ्तार में सबसे सटीक विश्लेषण लेकर क्या है, ध्यान से देखिएगा प्रत्येक प्रश्नों को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब पहला प्रश्न हमारा यह है, देखिए 51 से 100 तक देखने वाले हैं। वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया है। देखिए महिला की बात हो रही है, अब इसमें देखिए तो सबसे ज्यादा अगर सही और सटीक आंसर आपको यही दिख रहा है कि जो 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% जो है आपको शहरी क्षेत्रों में ये मतलब दर्ज किया गया है। लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट अगर कहेंगे तो 3.9 है होता है ग्रामीण में और 6.4 होता है आपका शहरी में। लेकिन अब यहां पर देखिए कि आयोग क्या मानता है। आयोग अगर मानेगा ये 3.9 एक्यूरेट और 6.4 तो इनमें से कोई नहीं होगी, और नहीं तो अगर इसको माना होगा कि लगभग लगभग मान करके, तो ये आपका बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। आइए 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा देखने का काम करें। 52 नंबर है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। साथियों अधिकतम सबसे ज्यादा अगर कर की बात करें, टैक्स की बात करें, तो ये जो उद्योग है ये आपको पूर्णिया में है सबसे ज्यादा। ठीक है, पूर्णिया में सबसे ज्यादा टैक्स वाली उद्योग सब है। आज ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है, 53 नंबर कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, द्वारा 24 नवंबर 2021 को एक प्रकाशित रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है, जो कि 2015-16 की अगर बात कर लें तो उस समय में 1062 था, 1062 था, से वहां से जो है 2020-22 के रूप में 1090 के 90 हो गया है। यानी आपका 1062 1090 वाला ऑप्शन जो है सही है। चलिए आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर क्या कहता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में, 2021-22 के अनुसार अगर बात करें 2020 से 2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जिसको कहते हैं कि वृद्धि कितनी हुई है, ये वृद्धि लगभग 2.5% के आसपास हुई है। कितना परसेंट हुआ है, तो 2.5% 2.5% आपका सही आंसर हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा देख ले। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 नंबर हमारा कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, कौन सा सही है ये पूछता है। बिहार का अर्थव्यवस्था देखिए, अब यहाँ ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यही तो बिल्कुल सही है कि जो व्यावसायिक ढांचा है वो बिल्कुल स्थिर है, इसमें कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब तक ढांचा नहीं बदलेगा तब तक व्यवसाय नहीं बढ़ेगा, यानी यही आपका सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, ये जो है आपका अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बिहार में कहता है अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पाद होता है, जी नहीं, ये नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कहता है, 56 क्या कहता है, देखिए कहता है एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या रहे हैं। देखिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, ये सही है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी सही है, रोजगार निर्माण, बिल्कुल 1, 2 और 3 आपका तीनों के तीनों 2005 का जो अधिनियम है एसईजेड अधिनियम के अनुसार आपको ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कहता है, 57 कहता है कि राष्ट्रीय, देखिए ध्यान देंगे कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, नीतिगत उपाय क्या है। देखिए इसमें आपको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बिल्कुल MSP जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें बफर स्टॉक का रख रखाव भी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये PDS ये नहीं है इसमें, ठीक है, तो आपका बिल्कुल बी और सी दो सही जा रहे हैं, तो दो सही है, तो आपको इन उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ जाना चाहिए होगा। आ जाइए अगला देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस समिति ने प्रश्न कह रहा है, देखिए किस समिति की बात हो रही है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, कौन सा समिति है। बिल्कुल देखिए SVS राघवन समिति जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को सुधार यानी कि उसको अधिनियम को सुझाव दिया है कि इस चीज को सुधार किया जाए। ठीक है, कहता है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, इसी को लागू करने का यानी कि सुझाव दिया राघवन समिति ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है सूची वन को सूची टू से मिलाइए, सूची वन को सूची टू से, देखिए धूसर क्रांति जो होता है ना वो उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर से संबंधित है, यानी एक का तो आपको चार हो जाएगा। अब गुलाबी क्रांति जो है ये आपको प्याज से संबंधित है, रजत क्रांति की अगर बात कर लेंगे
ये आपको अंडों से संबंधित है, और लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। अर्थात एक का चार हो गया, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक का चार, दो का एक, तीन का सी और डी का दो, यानी बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए 68 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। अगर कहा जाए सिर्फ मानव संसाधन विकास पर तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है, लेकिन चर्चा आपको प्रथम में भी किया गया, पंचम में भी किया गया है। अब ये पूरी पूरी डिपेंडेंट हो गया, अगर 8वां होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तो इनमें से एक से अधिक पर भी हो सकता है। 100% अगर सिर्फ और सिर्फ कहें तो इसमें 8वीं में पूरी तरीके से किया गया मानव संसाधन के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत इन दोनों में भी चर्चा किया गया है। अगर मानेंगे तो आयोग किसको मानता है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ 8वीं होगा तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, 61वां क्या कहता है, कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में जो है प्राप्त किया है। यानी कि कौन से राज्य ने अप्रैल से सितंबर के बीच सबसे, यानी कि क्या कहता है, उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी, ये आपको कर्नाटक है, कर्नाटक कर्नाटक कौन सा आंसर होगा, कर्नाटक इसका सही आंसर था। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है, देखिए 62 नंबर हमारा जो हो जाएगा आंसर, 62 कहता है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। ये आपको 1 मार्च 1993 को इसकी घोषणा हुई थी, 1 मार्च 1993 में, यानी आप कह सकते हैं यूनियन बजट 1993 से 1994 में घोषणा हुआ, 1 मार्च 1993 से, यानी यूनियन बजट 1993 से 1994। अब यहाँ देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, विकास तो रहता ही रहता है, आधुनिकीकरण भी रहता है, आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया जाता है, साहित्य पर कहीं पर चर्चा नहीं किया गया। आपका आंसर 1, 2 और 3 सही है। अब 1, 2, 3 चूंकि ऑप्शन 1, 2, 4 है, बिल्कुल नहीं 1, 2, 3, 4, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ही आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है, 64 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 64 ऊपर में ही था, देखिए 64 था, गरीबी कहता है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा को देखिए यहाँ पर NSSO दिया गया है, NSSO ये पुराना है, ये अब NSO में कन्वर्ट हो चुका है, NSO में ये 2019 में ही इसको बदल दिया गया है। ठीक है, 1900 ये NSO में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ अगर पुराने दर से देखे तो NSSO हो जाएगा, अगर नई दर से देखे तो ग्रुप में से कोई नहीं होगा। ये फिर वही बात है, आयोग पर डिपेंड कर जाता है, आप लोग अगर NSSO लगाए हैं तो आप सही मान सकते हैं, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं भी लगाए हैं तो अब दुविधा की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है, तो कई प्रश्न ऐसे इसमें देखने को मिले हैं। आ जाइए 65 नंबर देखते हैं, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 जो कि अनंतिम के लिए है, क्या दिसंबर 2022 के लिए क्या है इसमें, ये जो दर्ज किया गया वो 11.16 देखिए सॉरी 16.11 दर्ज किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 66 66। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था। देखिए एक जो है चौकीदार कर उस समय में लगता था, चौकीदारी कर। ठीक है, तो चौकीदारी कर इस चीज का विरोध इन्होंने किया था, मालवा कर, हाथी कर, विकास कर नहीं था, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं सही होगा। आज ये 67 नंबर क्या कहता है, श्री कृष्ण सिंह के बारे में दिया गया, देखिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। देखिए 1938 में, क्योंकि 1935 में इनका सरकार बना था और 1938 में इनको जो है सो इस्तीफा देना पड़ गया था, और जो चूंकि ये पहली सरकार थी, ठीक है, बिहार में पहला निर्वाचित सरकार था, इन्होंने क्या गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, बिल्कुल नहीं, ये क्यों ऐसा क्यों होगा, ये तो विरोध तो करना जरूरी ही था, भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ये भी नहीं है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, बिल्कुल ये सही है, राजनीतिक कैदी को छोड़ने के वजह से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था इनका मंत्रिमंडल ने। आज अगला प्रश्न हमारा 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे 68 प्रश्न, देखिए फोन बजा, 68 नंबर कहता है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो गांधी जी को जान बचाने का काम कौन किया था, तो बत्तख मियां के द्वारा किया गया था। आज 69 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं,
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान जो बात हो रही है, देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, यहाँ पर ध्यान देंगे स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। कई लोग का अलग अलग आंसर ये लोग लगा रहे हैं, ये राजकुमार शुक्ल बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ना कृष्ण सिंह जी होगा, आपको याद एकदम याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद जी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना, यही होगा, आयोग भी आपको यही लगा करके देगा। आज ये 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रथम बार संघर्ष के दौरान 70 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, तो कम समय में हम चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा एकदम फटाफट करवा दे, चूंकि ये कोई गणित थोड़े है जिसको सॉल्व करें हम। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान अपनाए गए थे, क्या अपनाया गया था, ध्यान दीजिए, चूंकि जो जब बंगाल विभाजन की बात हुई थी तो आपको याद होगा कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी की घटना है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को ये जो है 1905 में क्या हुआ था, इसके लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव तैयार हुआ था, 1920 ईस्वी में, सॉरी 1905 ईस्वी में ही 20 जुलाई को ही इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, नहीं 20 जुलाई को ही, 20 जुलाई को ही इसको 1905 में ही पारित कर दिया गया था। फिर 16 16 जो है आपको 16 अक्टूबर को, सॉरी 16 अगस्त को जो है आपको क्या किया गया था, इसको लागू करने के लिए पूरी तरीके से दबाव बनाया गया था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें जो अगस्त में आपको 7 अगस्त को जो है सब लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हुए थे, और इकट्ठा होने के बाद जो है पूरी तरीके से बहिष्कार करने का, स्वदेशी अपनाने का और विदेशी चीजों को बहिष्कार करने की घोषणा की थी उन्होंने, तो बंगाल विभाजन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक अगला है कि 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस ठीक है, के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, ये दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन, एकदम 3 बार अध्यक्ष भी बने थे कांग्रेस के, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो दादा भाई नौरोजी ने ही झंडा फहराया था। आज 72 नंबर क्या कहता है प्रश्न, 72 नंबर देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था, ये समांतर आंदोलन जो शुरू किया गया था इसका नाम था प्रज्ञा मंडल आंदोलन, क्या नाम था, प्रजामंडल आंदोलन नाम था इसका। आज 73 नंबर प्रश्न हमारे क्या कहता है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है आपका वर्ष 1981 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, जी नहीं 1921 में गिरफ्तार नहीं हुए थे, 1922 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया गया था और 1924 ईस्वी में इनको छोड़ दिया गया था, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को या उससे हाथ खींच लिया था, असहयोग आंदोलन स्थगित वही बन किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा जब कांड हो गया था उत्तर प्रदेश के, जो है उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कांड हो गया था जिसमें 19 पुलिसकर्मी के साथ साथ 2 अन्य लोगों को भी जेल में एकदम उसको थाने में बंद करके और आग लगा दिया गया था, ये बहुत बड़ा जो है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है पूरी तरीके से इसमें अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन हिंसा हो गया इसलिए इन्होंने वापस कर लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बिल्कुल ठीक है, जो हिंदू BHU जो है आपका हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें इन्होंने भाषण दिया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है, ये सही नहीं है आपका, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला हमारा क्या कहता है, देखिए 73 के बाद देख लेंगे 74 नंबर क्या है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस 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 पत्रिका का संपादन किया गया था, देखिए ये 2 पत्रिका अल हिलाल और अल बलग, 2 पत्रिका अल बलग, जब अल हिलाल को बंद कर दिया गया तब अल बलग उन्होंने चलाया था, यानी पत्रिका अल हिलाल अल बलग बलग इन्हीं का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 75 नंबर प्रश्न, बड़ा सा प्रश्न है देख लीजिए, कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी, तो 1919वीं शताब्दी के अंत में की बात हो रही है, ठीक है, तो ब्रिटिश शासक के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, नहीं ये नहीं सही है देख लीजिए, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करके, ये आपका बिल्कुल इसमें बी आंसर सही है, सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी आपका सही आंसर जा रहा है। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, नहीं पूछा रहा है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों को बहिष्कार, जी नहीं यही तो गलत है, चुनाव में इन्होंने भाग लिया था, चुनाव में
भाग लिया था, हमें गलत पूछ रहा है और ये गलत है, यही गलत है, ये सब सही है, ये प्रधानाध्यापक शिक्षक सारे लोग इस्तीफा दे दिए थे, वकील लोग प्रैक्टिस छोड़ दिए, तो गलत तो ये है आपका, ये गलत है। अब इसमें एक और है, लेकिन देखिए आंदोलन में केवल उच्च जाति नहीं, आंदोलन में सारे लोग भाग लिए थे, एक और दो आपका दोनों सही है, यानी ए आपका सही आंसर होना चाहिए। 76 का क्या होगा, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। आ जाइए 77 देख लेते हैं। कहता है एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में, फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यहाँ किसान नेता का जिक्र है, वह किसान नेता कौन है? तो बाबा रामचंद्र ये वो किसान नेता थे जो अपने पीठ पर तुलसीदास जी के रामायण को लेकर के आए और हमेशा उससे छंद को सुनाया करते थे लोगों को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 78, ऑल इंडिया हरिजन संघ। अब हरिजन संघ नाम सुन करके भी आप पकड़ सकते हैं कि कौन किए होंगे, तो महात्मा गांधी जी ही किए होंगे। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था, जब नमक सत्याग्रह के बाद जब पूना समझौता जब हुआ, तो उसके बाद इन्होंने जो है इसको क्या किया था, इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1932 ईस्वी में इस हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। ये भी देख लीजिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। देखिए 20 फरवरी 1947 की घटना है, देख लीजिए, उन्होंने कहा था जून 1948 में हम भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र करके चले जाएंगे, लेकिन बात यह हो गया, जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो संगठन था वो इतना उग्र हो चुका था कि वो जो है एकदम खोज खोज करके एकदम डोज दे रहा था। अब उसके बाद जो है डर से ये 15 अगस्त 1947 को ही खाली करके इनको भागना पड़ा था, ठीक है, डर से भागना पड़ा था, ठीक, इस बात को आजाद हिंद फौज का जो दस्ता था पूरी तरीके से इसको खोज खोज के, चूंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी को अचानक से गायब कर दिया गया था, इसलिए, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ था। चलिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की अगर बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो श्री कृष्ण जी के द्वारा, उसमें स्वराज दल का स्थापना श्री कृष्ण जी के द्वारा ही किया गया था। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपको, देख लीजिए 81 नंबर, इनमें कहता है इनमें किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। यह शेर खान के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा, शेर खान के द्वारा कहा गया था कि भैया आप यदि हमको बंगाल समर्पित कर देते हैं हम आपको बिहार दे देंगे और बिहार के साथ साथ आपको 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देंगे। किसने कहा था, शेर खान ने कहा था। चलिए अगला देख लीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब ये भी कोई प्रश्न है क्या, ये भी कोई प्रश्न है बताइए, ये धर्मपाल जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आ जाइए, इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये जो आपको नाम आएगा ना जेम्स सिफ्टन नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन पूरा नाम इनका है सर जेम्स डेविड सिफ्टन, जेम्स सिफ्टन कहा जाता है, प्रथम राज्यपाल के रूप में यही थे। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या कहता है, महात्मा गांधी की शुरुआत तो बिहार से हुआ था, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से ही, यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको क्या कहा गया था, इनको महात्मा की उपाधि भी दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, ये पादरी की हवेली जो है ये आपका बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है जो कि पटना में स्थित है। आ जाइए 86 नंबर, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिनके जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार में कहां पर हुआ था, तो बिहार में भागलपुर में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, परीक्षा में तो पूछा जा चुका है,
अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ध्यान में रख सकते हैं, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अर्नत कहा जाता था, अनर्थ कहा जाता था, अर्नत कहिए या अनर्थ कहिए, अनर्थ कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? देखिए इसमें तो 9000 ईसा पूर्व, 12000 ईसा पूर्व, 6000 दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कई जगहों पर चर्चा होता है 1300 ईसा पूर्व मात्र, ठीक है, 1300 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ये नहीं जाता, इनमें से कोई नहीं ही आपका सही आंसर होना चाहिए। बाकी देख लीजिए अब क्या आता है आयोग का आंसर, हमें तो यही लग रहा है कि यही होना चाहिए। आ जाइए 89 देख लेते क्या कहता है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? सुदर्शन झील के बारे में बहुत जानते होइएगा, उसको मरम्मत करवाया गया था, और मरम्मत कराने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो रुद्र दमन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रुद्र दमन के द्वारा किया गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का एक मंदिर है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला की है? ये जो है मूर्तियां ये गुप्त कला की है। किस कला की है साथियों? गुप्त कला की है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, इतने तेज तर्रार फास्ट आपको जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक की कर रहे हैं, यदि आप सीटीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके घर में कोई बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, यदि आपके घर में कोई डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, डीएलएड एंट्रेंस का, तो सबके लिए एक ही नंबर है 8969094103। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और पूरी जानकारी को प्राप्त करिए कि किस प्रकार से क्लास दिए जा रहे हैं, एकदम समझ लीजिए आसान तरीके से, आसानी से सफलता पाना है तो आपके लिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, आप व्हाट्सएप के जरिए पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग यहाँ है, हम लोग है 91 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अकबर सही जवाब है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी सही जवाब है, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा यही गलत है। मराठा तो थे लेकिन यहाँ पर टीपू सुल्तान के जगह पर में दूसरे कोई थे, ठीक है। तो चलिए ये आपका यहाँ पर पेशवा हो जाते तो ये आपका पेशवा बाजीराव हो जाता, तो ये मराठा और उसके बीच पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था। चलिए अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद राजस्व अधिकारी को दिया जाता था, जिसको राजस्व अधिकारी कहा जाता है उसी को मुकद्दम या चौधरी भी कहा जाता था। अगला देखिए, तबकात ए अकबरी जिसे अबुल फजल, तबकात ए अकबरी जिसे अकबर जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था ये कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन अहमद है, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास जो है नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो देखिए हरिहर और बुक्का तो होगा ही नहीं, तो होगा कौन, तो बस उसको छोड़ दीजिए, तो कृष्णदेव राय ही हैं, यही आपका सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, आप लोग निश्चित ही जानते होंगे। आज 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल जो है इसी के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इनमें से किसने 1947 ईस्वी में गणित और साइंस का बच गया है वीडियो, उसको नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई थी, भारत पाकिस्तान तो आपको पता ही है, रेड क्लिफ खतरे का निशान, तो रेड क्लिफ आपको बिल्कुल सही आंसर है। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला हमारा क्या कहता है। बंगाल कहता है किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना की थी? महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करने का जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आ जाइए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। 1940 ईस्वी की बात हो रही है, विनोबा भावे जी की बात हो रही है, ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था?
ये पवनार, महाराष्ट्र के पवनार से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए थे और नेशनल जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का उन्होंने स्थापना किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना इन्होंने करी थी। आज ये लास्ट प्रश्न आज का है, देखेंगे 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आज का 100 नंबर है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसके लिए भारत जो है भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है जिन्ना की मांग के ब्यौरा को, ब्यौरा पर काम करने के लिए। जी नहीं, उनका जो मूल उद्देश्य था सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, केवल दो आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एकदम फास्टली तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी कहें कहीं अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि बुझा रहा हो, कोई दिक्कत बुझा रहा हो तो कमेंट करिए, बस उसको हम भी देखेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लगातार यदि आप चाहते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आसानी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए, आप लोग को हमेशा कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।